खाद्य सुरक्षा अधिकारी और उनकी टीम ने केंद्रीय बस स्टैंड पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार मोटो के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। लगभग 7-8 दुकानों से एक्वा ब्रांड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को जब्त कर किया नष्ट। मंगलवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने फूड सेफ्टी कमिश्नर इकबाल खान के निर्देश पर केंद्रीय बस स्टैंड पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार मोटो के तहत दुकान दुकान जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान लगभग 7-8 दुकानों से उन्हें एक्वा ब्रांड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिला, जिस पर ना तो पैकेजिंग डेट अंकित थी, ना एक्सपायरी डेट और ना ही बैच नंबर और ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट। ऐसे में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सभी दुकानों से लगभग 100 से ज्यादा पैकेज वाटर के कार्टून जब्त कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। दुकानदारों ने बताया कि नागौर के थावला स्थित गीतांजलि मिनरल वाटर कंपनी से उन्हें यह सप्लाई की जा रही है, उन्होंने तो इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। चोटवानी ने बताया कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, साथ ही थावला वाले प्लांट पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और प्लांट को सीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मोटा मुनाफा कमाने का मामला है, जिसे कम दाम पर खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके खिलाफ भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार की पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक ऐसे हैं जिन पे डेट नहीं है या एक्सपायरी डेट के हैं, तो उसी को लेकर के आज हमने कमिश्नर फूड सेफ्टी सर इकबाल खान साहब के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत यहाँ कार्रवाई की। तो यहाँ वास्तव में लगभग सभी कैंटीनों और जो भी दुकानें हैं खाने पीने की, वहाँ एक कॉमन जो सप्लायर है, एक गाड़ी वाला आता है, वो सबको ये पानी की बोतलें सप्लाई करके जाता है। ये एक्वा ब्रांड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये गीतांजलि मिनरल वाटर करके कोई फर्म है थावला की नागौर से, वहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। तो हमने मौके पर जब्त कर किया है, सैंपलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो सप्लायर है उसको मौके पर बुलाया जाए और वो पुष्कर से आने की कह रहा है, काफ़ी देर हो गई हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इस दरमियान हमने उच्चाधिकारियों को भी सूचित किया है कि जिससे कि नागौर में जो प्लांट है वहाँ पर भी इस पर कार्रवाई की जा सके और ये इन अनियमितताओं को रोका जा सके। कितनी दुकानों पर यहाँ कार्रवाई? ये करीब हम 5 या 6 दुकानें हैं जिनसे ये करीब 100 से ऊपर कार्टून हमने जब्त किए हैं और इनको मौके पे नष्ट भी करवाया जाए। क्या कम रेट में बोतल मिलती? ऐसा प्रतीत होता है कि जिस हिसाब से बल्क में डेली यहाँ इस तरह की बिना डेट की बिना रेट लिखी हुई बोतलें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये मुनाफाखोरी की जा रही है और इनको कम रेट पे ये सप्लाई कर रहा है और जिससे कि जो है नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या ये जो बोतलें हैं कि जो हम चल रहे हैं, जो बेच रहे हैं इन बोतलों को, जैसे बस स्टैंड पर अभी जिस दुकान पर आप खड़े हैं जहाँ पर इतनी भारी मात्रा में कार्टून प्राप्त हुए हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, अभी कार्टून पैक हैं, इन लोगों का कहना है कि साहब हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी। अच्छा। लेकिन इनके इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सूचनाओं को देखे कि उस पर डेट है कि नहीं है, एक्सपायरी है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, अपडेट है क्या ये? अपडेट है क्या ये बोलते हैं? नहीं, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उनके नियमों का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, तो नियमों के अनुसार इस पर पैकिंग डेट होनी चाहिए, बैच बिफोर होना चाहिए और रेट भी होनी चाहिए, लॉट नंबर बैच नंबर, इस तरह की कोई भी सूचना अंकित नहीं है।